हेलो फ्रेंड्स आपका धर्मशिला किचन में फिर से स्वागत है आज हम लेकर आए हैं आप लोग का मनपसंद चिकन चिली जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और जल्दी बन जाता है बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगी तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत देखिएगा तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं शुरू करते हैं रेसिपी उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले चिकन चिली बनाने के लिए मैंने लिया है ढाई सौ ग्राम चिकन इसको साफ पानी से मैंने धो लिया है आई छोटे छोटे पीसेस हैं मीडियम साइज के अब इसमें डालते हैं आधी छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच डालेंगे डार्क सोया सॉस इसमें डालेंगे दो चम्मच कनफ्लावर तो बड़ा चम्मच से मैंने लिया है एक चम्मच और थोड़ा सा और लिया है अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फिर इसमें डालेंगे एक अंडा तो अंडा को तोड़ के भी डाल लेते हैं इसमें फिर इसको हाथ से मिक्स करेंगे ये अच्छे से मिक्स हो गया है अब गैस पे कढ़ाई बैठाते हैं तो पहले हम गैस जलाएंगे उसके ऊपर रखेंगे कढ़ाही कढ़ाही जब गरम हो जाए फिर इसमें तेल डालेंगे तेल जब गरम हो जाए फिर हम चिकन को डीप फ्राई करेंगे तो तेल को मीडियम फ्लेम पर ही गरम कीजिएगा और चिकन को भी मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है नहीं तो हाई फ्लेम करेंगे तो चिकन जल जाएगा और फिर अंदर से कच्चा रह जाएगा तो इसको पलट लेते हैं वन साइड हो गया है अब दूसरे साइड भी पका लेते हैं आप चाहें तो गैस को धीमी कर सकते हैं लेकिन हाई फ्लेम मत कीजिएगा नहीं तो चिकन जल जाएगा ये फ्राई हो गया है अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं तो सारे चिकन हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं कलर भी कितना अच्छा आया है इसी तरीके से सारे चिकन को डाल के फ्राई कर लेंगे चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है सारा मैंने फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया है फिर से मैंने वही कढ़ाई लिया है गरम किया है इसमें के एक्स्ट्रा जो तेल था मैंने निकाल लिया है ये अभी भी गरम है इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च का टुकड़ा और कटी हुई लहसुन अब इसको थोड़ा भून लेते हैं कि इसका कच्चापन निकल जाए दस सेकेंड भूनेंगे ज़्यादा नहीं भूनना है उसके बाद हम डालेंगे कट हुई प्याज प्याज को मैंने हरा वाला यूज किया है हरा पत्ता को निकाल दिया है उसका प्याज मैंने यूज़ किया है अब इसको भी थोड़ा भून लेते हैं तो इसको भी पंद्रह सेकंड भून लेंगे ज़्यादा नहीं भूनना है उसके बाद हम डालेंगे गोल गोल कटा हुआ प्याज इसको इस स्क्वायर शेप में मैंने काट लिया था अब प्याज का ऊपर वाला पार्ट मैंने यूज़ किया है और शिमला मिर्च दोनों को डाल लिया थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच के अंदाज मैंने लिया है चीनी यानी कि शुगर आधी छोटी चम्मच के अंदाज़ मैंने लिया है ग्रीन चिली सॉस और एक चम्मच लिया है डार्क सोया सॉस इसमें डाल रही हूं आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर और दो चम्मच मैंने छोटे चम्मच से डाला है शेजवान सॉस सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं थोड़ी सी डालूंगी नमक नमक मैंने चिकन में भी डाला था तो इसमें थोड़ी सी डालती हूँ नमक नमक अपने हिसाब से डालिए मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है और थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे आप चाहें तो रेड चिली सॉस यूज कर सकते हैं एक चम्मच के अंदर डाल रही हूँ टोमेटो सॉस सारे चीज़ों अच्छे से पक गया है आप देख सकते हैं अब इसमें चिकन डाल देते हैं तो चिकन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दो मिनट अच्छे से इसमें भून के फ्राई कर लेंगे तो अच्छे से रोस्ट हो गई है हमारा चिकन चिली रेडी है आप देख सकते हैं आप गैस को बंद करते हैं नीचे उतार लेते हैं अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे कितना यम हमारा चिकन बना है ना चिकन चिली खाने में बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स आप एक बार जरूर ट्राई करना अब इसको वाइट तिल से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे हरा प्याज के पत्ता मैंने लिया है बारीक कटी हुई इसको भी थोड़ा सा डालकर गार्निश कर लेते हैं इसके ऊपर डाल देते हैं देखिए मैंने कितना आसान तरीके से चिकन चिली बना लिया फटाफट बन जाता है मात्र दस मिनट लगेगा फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनेगा मैंने तो बना लिया आप कब बना रहे हो तो जल्दी से बनाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा बहुत आसान तरीके है फैमिली बच्चे के साथ एंजॉय कीजिए बच्चों का तो फेवरेट होता है चिकन चिली बहुत ही अमी है फ्रेंड्स खाइए खुश रहिए मस्त रहिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय